स्टूडेंट कैसे हो? सब बढ़िया। ओके बोलो, चैप्टर नंबर 9 कहाँ तक पहुँचे आप लोग? स्टार्ट तो किया है ना? स्टार्ट किया होगा। मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3 तक कंप्लीट किया था। बच्चे लोग मालूम है कि नहीं मालूम है? तो आज हम एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करते हैं। अब पहले तो आपको ये बता दूं कि 9.1 के अंदर हमने ऑर्डर और डिग्री की बात की थी। एक्सरसाइज 9.2 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, उसका सॉल्यूशन दिया था। आपको वेरीफाई करना था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद एक्सरसाइज 9.3 के अंदर सॉल्यूशन दिया था, यानी कि फैमिली ऑफ द कर्व, यानी कि फैमिली ऑफ सर्कल, या तो फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ हाइपरबोला, इलिप्स, वो सभी था। उसके पर से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया, वो था हमारी एक्सरसाइज 9.3। अब आपको इसके अंदर ये 9.4 से जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 2 ऑर्डर, डिग्री, उसकी डिग्री भी अलग अलग हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, यानी नेचुरल नंबर। डिग्री और ऑर्डर ऑलवेज बिलोंग्स टू एन। लेकिन आपके जो सिलेबस के अंदर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है, आपके सिलेबस के अंदर ओनली एंड ओनली फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, यानी कि उसका फॉर्म इस टाइप का जो इक्वेशन होगा, इसका फॉर्म dy बाई dx इज इक्वल टू fxy, ये फॉर्म में इक्वेशन होगा। यानी वेरिएबल x, वेरिएबल y और फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx, इसके अंदर आपको इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब डिफरेंशियल जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकालने की हमारे पास अलग अलग 3 मेथड है। वी शैल डिस्कस 3 मेथड ऑफ सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। कितनी मेथड है मेरे पास? 3 मेथड है मेरे पास, क्यों, पूरी दुनिया के पास। ओके तो फर्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल को सेपरेट देना है, वो ये पहली मेथड है। दूसरी मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेपरेट वाला जो वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल ये जो मेथड है वो हमारी एक्सरसाइज 9.4 के अंदर है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उसके पर अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 9.5, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पर आधारित हमारी एक्सरसाइज 9.6, यानी ये सेपरेट वेरिएबल वाली वो 9.4, होमोजीनियस की 9.5 और ये है 9.6। 3 मेथड पे डिपेंड है 3 एक्सरसाइज है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 9.4 की बात करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज के अंदर आपको सेपरेबल वेरिएबल, वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि इसका मीनिंग ये होता है कि dy के साथ y वाले टर्म और dx के साथ x वाले टर्म हम सेट करेंगे, dy के साथ y वाले टर्म और dx के साथ x वाले टर्म अपन को सेट करेंगे।
और उसके बाद उसका इंट्रीगेशन करना है। क्या करना है बच्चे लोग? इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन आया यानी कि चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 याद आना चाहिए। चैप्टर 7 मालूम है ना? ओके, तो चैप्टर नंबर 7 का यूज़ करके आपको इसका इंट्रीगेशन करना है। इंट्रीगेशन करेंगे तो जो भी आंसर आता है वो जनरल सॉल्यूशन होगा। वो क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन। मालूम है ना, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक जनरल सॉल्यूशन होता है और दूसरा जो सॉल्यूशन होता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट सी होता नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट सी वो नहीं होता है, बराबर। इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और उसका जो आंसर आता है उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। पहले तो मेरे पास 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.4 के अंदर 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन है उसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम। बहुत सारी बातें हो गई आपसे, बराबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है। मैं मान लेता हूँ सभी को चैप्टर नंबर 7 बहुत बहुत अच्छे तरीके से आता है। सपोज करने में क्या जाता है? डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब पहले तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स उसकी फॉर्मूला, तो 1 माइनस कॉस एक्स यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसकी फॉर्मूला 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 कट हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा। देयरफॉर डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब dx के साथ x वाले टर्म और dy के साथ y वाले टर्म, यानी कि dx को मैं सामने ले जाऊंगा, dx को मैं सामने ले जाऊंगा तो इस तरह से लिख पाऊंगा, dy is equal to tan स्क्वायर x by 2 into dx, यानी dx के साथ x वाला टर्म हो गया। अब इसके दोनों तरफ इंट्रीगेशन करेंगे। इंट्रीगेशन 1 dy is equal to integration tan स्क्वायर x by 2 dx, और 1 dy is equal to अब tan स्क्वायर का इंट्रीगेशन कैसे करते थे बच्चे लोग, याद है ना? sec स्क्वायर माइनस 1, टेन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखने का? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और 1 का इंट्रीगेशन y, 1 का इंट्रीगेशन y, sec स्क्वायर एक्स बाई 2, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंट्रीगेशन tan x by 2, sec स्क्वायर x by 2 का इंट्रीगेशन tan x by 2 अपॉन x का कोफिशिएंट 1 by 2, 1 का इंट्रीगेशन x प्लस c। क्या लिखा मैंने? प्लस c। आप प्लस c दोनों में से किसी भी तरफ रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। तो आप तुरंत बोलेंगे सर आंसर दूसरा नहीं आएगा, आपकी बात सही है। एक्सरसाइज 9.4, 9.5, 9.6 के अंदर सभी क्वेश्चन से क्वेश्चन का एक से ज़्यादा आंसर आ सकता है, क्योंकि कोई प्लस सी का भी यूज़ करता है, लॉग सी का भी यूज़ करेंगे हम बच्चे लोग। कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें लॉग ज़्यादा आता है तो मैं लॉग सी का भी यूज़ करूँगा, क्लियर। यानी कि आप प्लस सी इधर भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। देयरफॉर y is equal to 2 tan x by 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये जो आंसर आता है वो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन,
इट इज अ जनरल सॉल्यूशन, इट इज अ जनरल सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इस तरह से है, डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें भी मैं सेटिंग करता हूँ, तो इस तरह से डीवाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। डी एक्स को मैं क्या ले गया सामने, यानी कि dy के साथ y वाला टर्म आ गया और dx के साथ तो कुछ नहीं है तो 1। इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूँ तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4y स्क्वायर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx। 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर किसकी फॉर्मूला हुई बच्चे लोग, साइन इनवर्स वाई अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया है। आप यहाँ तक रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक रखेंगे ना तो भी सही है आपका आंसर, इट इज़ अ जनरल सॉल्यूशन। लेकिन कोई बच्चे को पीछे का आंसर लाने की इच्छा हो जाती है, कोई बच्चे को टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया है वो लाना है तो वो भी ला सकते हो। चलो कैसे ला सकते हैं, तो भाई साइन इनवर्स को सामने ले जाएंगे तो y बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस सी लिख सकते हैं ना। अब ये 2 सामने जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन x प्लस सी, y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी। क्लियर, इट इज अ जनरल सॉल्यूशन। यानी कि टेक्स्ट बुक के अंदर ये आंसर आता है, इट इज अ जनरल सॉल्यूशन। ओके, लेकिन कोई बच्चा इधर तक लिखेगा तो भी सही है। कोई स्टूडेंट ऐसा सोचे सर मुझे यहाँ से आगे नहीं लिखना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये भी आंसर है, ये भी आंसर, ये टेक्स्ट बुक के पीछे का मैंने सेटिंग किया है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, dy बाय dx इज इक्वल टू, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस y। y को मैंने सामने रख के रखा है, वैसे तो क्वेश्चन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, मैं y को सामने ले गया हूँ। therefore dy upon 1 माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ये डी एक्स सामने चला गया, ये टर्म इस साइड आ गया। अब इसके दोनों तरफ में इंटीग्रेशन करता हूँ बच्चे लोग। इंटीग्रेशन करने से पहले मैं ऐसा भी सेटिंग कर लेता हूँ, y माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। क्या किया, 1 माइनस वाई था उसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 हो गया और वो माइनस को मैंने इधर रख दिया। अब मैं दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, मालूम पड़ता है ना बच्चे लोग। चलो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, लॉग मोड y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब इंटीग्रेशन पूरा हो गया, यानी कि मुझे प्लस सी लिखना है तो मैं यहाँ पे भी प्लस सी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी प्लस सी लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस सी लिखूँगा तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, लेकिन पीछे का जो आंसर है वो सेटिंग करने के लिए, पीछे का जो आंसर है वो सेटिंग करने के लिए मैं लॉग मोड ऑफ सी लिख रहा हूँ। क्या लिखता हूँ, लॉग मोड सी। यदि आप प्लस सी लिख के क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका सही आंसर है, ध्यान रखना।
लेकिन टेक्स्ट बुक के पीछे का जो आंसर लाने के लिए आपको यहाँ पे लॉग मोड सी लिखना पड़ेगा। अब ये टर्म इस साइड में ले लेता हूँ, ये टर्म को मैं इस साइड ले लेता हूँ, तो लॉग मोड y माइनस वन माइनस लॉग मोड ऑफ c इज इक्वल टू माइनस x। अब एक जोरदार सेटिंग ये देखना बच्चे लोग, लॉग मोड y माइनस वन अपॉन c लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों को डिवाइड के फॉर्म में लिख सकता हूँ लॉगरिथम के रूल्स के अकॉर्डिंग। दूसरी एक बार, ये x के साथ इनटू में कुछ नहीं है तो वन है ना, वो वन की जगह पे लॉग e बेस e लिख सकता हूँ, क्योंकि लॉग e बेस e तो वन ही होता है। अब ये जो x है उसको ऊपर ले जाता हूँ तो क्या हो जाता है, लॉग मोड y माइनस वन अपॉन c इज इक्वल टू लॉग e रेस टू माइनस x, बेस में कुछ नहीं है तो e। अब इसके दोनों तरफ लॉग दूर कर देता हूँ, इसके दोनों तरफ से लॉग दूर यानी कि पावर को मैं कंपेयर करता हूँ, दोनों तरफ लॉग के पावर को मैं कंपेयर करता हूँ, y माइनस वन अपॉन c e रेस टू माइनस x। अब ये जो c है उसको सामने ले गया तो y माइनस वन इज इक्वल टू मोड ऑफ c e रेस टू माइनस x। अब यहाँ से मैं मोड दूर करता हूँ तो मैं मोड दूर करूँगा, बराबर मोड दूर करूँगा तो प्लस और माइनस आएगा दोनों तरफ से प्लस और माइनस कट हो जाएगा, तो y माइनस वन इज इक्वल टू सी इन टू ई रेस टू माइनस एक्स। ओके, तो ये पीछे का आंसर है बच्चे लोग, ये पीछे का आंसर है, इट इज अ जनरल सॉल्यूशन, इट इज अ जनरल सॉल्यूशन। तो आपने इधर तक लिखा होगा तो भी सही है, तो भी दो मार्क में से दो मार्क मिलेंगे, इसके स्टेप इतने ज़्यादा लिखेंगे तो भी दो में से दो मार्क मिलेंगे, आपकी मर्जी। ये पर्टिकुलर आपको ये सेटिंग याद रखनी पड़े तो पीछे का आंसर इतना आएगा, लेकिन आपके पीछे का आंसर तो कहीं रट्टा मार के तो जाने वाले नहीं हो एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में टेक्स्ट बुक के पीछे का आंसर तो कहीं रट्टा मार के जाने नहीं वाले हो, बराबर, यानी कि आपको सिर्फ इंट्रीगेशन आपका सही होना चाहिए, ये क्वेश्चनों के अंदर आपका इंट्रीगेशन सही होना चाहिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर फोर सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी वाई प्लस सेक्स स्क्वायर वाई टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब मैं पहले तो सेटिंग करूंगा, कौन सा सेटिंग, डी एक्स के साथ एक्स वाले टर्म और डी वाई के साथ वाई वाले टर्म का मैं सेटिंग करता हूँ। सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये प्लस वाला टर्म सामने जाएगा तो माइनस सेक्स स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो टेन वाई है ये सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन में आ जाएगा, तो आरी ये इस तरह से लिखेंगे टेन वाई, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे डी एक्स है और यहाँ पे डी वाई है, मेरी गलती हो गई, यहाँ पे डी एक्स है और यहाँ पे डी वाई है, मैं चेंज कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स है, यहाँ पे डी एक्स आता है और यहाँ पे डी वाई आता है, यानी कि सेक्स स्क्वायर एक्स टेन वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक्स स्क्वायर वाई टेन एक्स इंटू टेन वाई। अब ये सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन टेन एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि डी एक्स के साथ एक्स वाले टर्म सेट कर दिए, डी वाई के साथ वाई वाले टर्म सेट कर दिए, सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई। अब इसके दोनों तरफ मैं इंट्रीगेशन करता हूँ,
इसके दोनों तरफ मैंने इंट्रीगेशन कर दिया। अब सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स यानी कि अपॉन का डेरिवेटिव ऊपर हो गया, ये टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स ऊपर है, टेन वाई का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर वाई यानी कि अपॉन का डेरिवेटिव ऊपर सेट किया है, इसलिए ऊपर का ये जो सेक्स स्क्वायर एक्स है उसकी जगह पे डी बाई डी एक्स टेन एक्स और यहाँ भी डी बाई डी वाई टेन वाई। अब इसका इंटीग्रेशन यानी कि कौन सी मेथड मालूम पड़ी, अपॉन का डेरिवेटिव ऊपर आता है यानी कौन सी मेथड हुई, लॉग मोड डिनोमीटर का जो टर्म होता है वो लॉग मोड डिनोमीटर, यानी कि यहाँ पे डिनोमीटर में क्या है टेन वाई है, इसलिए हम क्या लिखेंगे लॉग मोड टेन एक्स, यानी कि इस तरह से होगा लॉग मोड टेन एक्स, लॉग मोड टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग मोड टेन वाई। इंटीग्रेशन कर दिया, अब आपको प्लस सी लिखना है तो प्लस सी भी लिख सकते हो, लॉग सी लिखना है तो लॉग सी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। चलो ये माइनस वाला टर्म इस साइड ला देता हूँ, तो लॉग मोड ऑफ टेन एक्स प्लस लॉग मोड ऑफ टेन वाई इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ सी। अब लॉगरिथम के रूल्स के अकॉर्डिंग बीच में प्लस है इसलिए लॉग मोड टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ सी। अब इसके दोनों तरफ से पावर को कंपेयर करता हूँ तो मोड ऑफ टेन एक्स इंटू मोड ऑफ टेन वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ सी, दोनों तरफ से भी मैं मोड को हटा देता हूँ तो टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू सी, यानी कि इट इज़ अ जनरल सॉल्यूशन, ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, इट इज़ अ जनरल सॉल्यूशन। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, बहुत बहुत ही इजी था। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फाइव इस तरह से है, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डी वाई माइनस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस वाला टर्म है उसको मैं सामने ले जाता हूँ, माइनस वाला जो टर्म है उसको हम सामने ले जाते हैं तो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये टर्म अपॉन में चला जाएगा, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। क्लियर, अब इसके दोनों तरफ में इंटीग्रेशन करूंगा बच्चे लोग। तो इंटीग्रेशन करने से पहले डी एक्स को तो सामने ले जाओ, ये वो तो भूल गए थे हम, डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन e रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, और ये जो x है उसको सामने ले जाते हैं। अब इसके दोनों तरफ में इंटीग्रेशन करूंगा बच्चे लोग, तो इंटीग्रेशन वन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स
माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव ऊपर हो गया, देख लो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, यानी बीच में माइनस भी आ गया। देयरफॉर हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वन डी वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, क्लियर। यानी अपॉन का डेरिवेटिव ऊपर हो गया, यानी लॉग मोड डेरिवेटिव लॉग मोड डिनोमीटर का टर्म, यानी कि मैंने इंटीग्रेशन कर दिया y इज इक्वल टू लॉग मोड ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी, इट इज अ जनरल सॉल्यूशन। चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे लोग, सिक्स नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स इस तरह से dy by dx इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें भी मैं dy के साथ y वाले टर्म, यानी dy अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डी वाई के साथ वाई वाले टर्म और डी एक्स के साथ एक्स वाले टर्म। अब इसके दोनों तरफ में इंटीग्रेशन करता हूँ तो वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन यानी कि टेन इनवर्स की फॉर्मूला हुई, तो ये टेन इनवर्स वाई, वन का इंटीग्रेशन एक्स और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री, इंटीग्रेशन पूरा हो गया, यानी कि यहाँ पे प्लस सी, इट इज अ जनरल सॉल्यूशन। ये सेंटेंस आपको सभी क्वेश्चन में लिखना है, मैं सब शॉर्ट में लिखता हूँ। चलो अब क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन इस तरह से है y इंटू लॉग y डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब डी एक्स के साथ x वाले टर्म और डी वाई के साथ y वाले टर्म, तो मैं इस तरह से इसका सेटिंग करता हूँ भाई लोग, y इंटू लॉग y डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू डी वाई, यानी कि y इंटू लॉग y सामने ले जाएगा और इसको इस साइड ले लेते हैं, यानी कि इस तरह से सेटिंग होगी आपकी बच्चे लोग, क्या करूँ, हाँ ये इस तरह लाना है, तो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वाई इंटू लॉग वाई डी वाई। अब इसके दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं वाई को ऊपर ले जाता हूँ, वन अपॉन वाई लॉग वाई। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, तो बहुत बड़ा फायदा हो गया, इसका डेरिवेटिव पूरा ऊपर हो गया, यानी कि लॉग वाई का डेरिवेटिव ऊपर सेट कर दिया। देयरफॉर वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वाई यानी कि डी वाई बाई डी अपॉन डी वाई लॉग वाई अपॉन लॉग वाई डी वाई। अब वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन
लॉग मोड एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड लॉग वाई, और इंटीग्रेशन पूरा हो गया, इसलिए मैंने लॉग सी लिखा। बच्चे लोग आपको ऑनली प्लस सी लिखना है तो भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे का जो आंसर है उसका मैं सेटिंग करा देता हूँ आपसे आपके साथ। तो पीछे का आंसर सेट करने के लिए और भी मुझे और सेटिंग करनी पड़ेगी, ये जो लॉग सी है उसको इस साइड लिख देता हूँ, तब आपका सेटिंग होगा। इस तरह से प्लस लॉग सी को मैं इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में लगता हूँ, क्योंकि आपको जो पीछे का आंसर लाना है इसलिए, बराबर, क्योंकि मुझे मालूम है इसलिए मैं ये सेटिंग करता हूँ। आपके रट्टा मार के तो जाने नहीं वाले हो, इसलिए आप टेंशन मत लो। आप यहाँ पे प्लस सी लिख दिया, प्लस सी लिख दिया, आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन पूरा हो गया। लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं आपको पीछे का आंसर तक पहुँचा दूँ, इसलिए। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में प्लस है, इसे लॉग मोड सी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू लॉग मोड लॉग वाई। इसके दोनों तरफ पावर को कंपेयर कर देते हैं तो मोड ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ लॉग वाई। अब मोड हटा देते हैं, मोड हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू, लॉग वाई इज इक्वल टू सी एक्स, ये भी सही आंसर है। अब इसके बेस में कुछ नहीं है तो ई, अब मैं लॉगरिदम को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो y इज इक्वल टू ई रेस टू सी एक्स, ये टर्म पूरा इस साइड आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि लॉगरिदम का मैंने पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये पीछे आंसर है। बोलो बच्चे लोग कितनी मगजमारी करेंगे तब आप यहाँ तक पहुँचेंगे, बराबर, को टेंशन मतलब हो जाएगा, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, पहली बार है ना इसलिए ऐसा होता है, वरना जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको याद रहता जाएगा कि भाई मुझे ये सेटिंग करना है वो सेटिंग करना है। चलो आठवां क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट इस तरह से है, एक्स रेस टू फाइव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई रेस टू फाइव। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें मुझे डी एक्स के साथ एक्स वाले टर्म और डी वाई के साथ वाई वाले टर्म का सेटिंग करना है, कर लेता हूँ बच्चे लोग। तो डी वाई अपॉन वाई रेस टू फाइव माइनस डी एक्स अपॉन एक्स रेस टू फाइव। अब इंटीग्रेशन वाई रेस टू माइनस फाइव डी वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू माइनस फाइव डी एक्स। ओके, ये टर्म मैं ऊपर ले गया और इस तरह से हो गया, एक्स रेस टू एन की फॉर्मूला एक्स रेस टू एन प्लस वन यानी वाई रेस टू माइनस फोर अपॉन माइनस फोर माइनस एक्स रेस टू माइनस फोर एक्स रेस टू माइनस फोर अपॉन माइनस फोर और प्लस सी डैश। प्लस क्या लिखा, सी डैश। आप सोचे ये सर क्या आप सेटिंग करते हो, y रेस टू माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस एक्स रेस टू माइनस फोर माइनस फोर सी डैश। क्या किया, माइनस फोर सी डैश, ये माइनस फोर का मैंने एलसीएम ले लिया। अब y रेस टू माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस एक्स रेस टू माइनस फोर प्लस सी, वेर वेर सी इज इक्वल टू माइनस फोर सी डैश। अब ये जो टर्म है उसको मैं इस साइड ले लेता हूँ,
तो इस तरह से हो जाएगा एक्स रेस टू माइनस फोर प्लस वाई रेस टू माइनस फोर इज इक्वल टू सी। इट इज अ जनरल सॉल्यूशन, इट इज ए जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? आप यहां से प्लस सी लिख देते तो भी सही है, कुछ गलत नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, देखो कहां पहुंच गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंच गए। बहुत ही होनहार स्टूडेंट हो आप लोग। dy by dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, dy by dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू dx, ये dx सामने चला जाएगा। अब इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन 1 dy, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx। अब 1 का तो इंटीग्रेशन y हो जाएगा बच्चे लोग, तो साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो साइन इनवर्स x इंटू 1 लिख देंगे हम, 1 dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 1 dx। कौन सी मेथड याद करो अच्छी तरह से बच्चे लोग, मेथड थी LIAET, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन की मेथड थी। U कांस्टेंट, V का इंटीग्रेशन माइनस V cos du by dx, V का इंटीग्रेशन, उसका भी इंटीग्रेशन थी ना ये मेथड। तो ये मेथड में ये साइन इनवर्स x है उसको हम u सपोज करेंगे और 1 है उसको v, साइन इनवर्स x को u और 1 है उसको v, और पूरा रूल्स अप्लाई करते हैं। देखो रूल्स मैंने अप्लाई कर दिया, u कांस्टेंट यानी साइन इनवर्स x कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन d by dx साइन इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन और पूरा का इंटीग्रेशन यानी dx, और 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x यानी x इंटू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, सॉरी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x dx। देयरफॉर y इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब मैं यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और माइनस 2 से डिवाइड, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा, तो y इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1/2 यानी कि प्लस माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देयरफॉर y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू माइनस 1/2 इंटू माइनस 2x dx, यानी कि इसका डेरिवेटिव बाजू में हो गया, इसका डेरिवेटिव बाजू में
यानी इस तरह से लिखेंगे y इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई टू 1 माइनस x स्क्वायर रेस टू माइनस 1 बाई टू इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx, यानी कि इसका डेरिवेटिव बाजू में। अब y इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई टू, क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव बाजू में है ना, तो इसके पावर में मैं 1 ऐड करूंगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 1 बाई टू अपॉन 1 बाई टू प्लस सी, और यहाँ से टू टू कट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इट इज ए जनरल सॉल्यूशन भाई, बोलो कैसा रहा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया था कि नहीं था? यानी कि जिसको इंट्रीगेशन का चैप्टर नंबर 7 याद होगा वो बच्चों के लिए एक्सरसाइज 9, यानी कि ये चैप्टर बहुत बहुत इजी रहेगा। चैप्टर नंबर 9 बहुत इजी है, लेकिन किंतु परंतु जब चैप्टर नंबर 7 आपका क्लियर होगा तब। ओके चलो बच्चे लोग, आपको मालूम पड़ गया, चलो अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 नंबर का है। हम क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से, ई रेस टू एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई रेस टू एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म है उसको मैं सामने ले जाता हूँ, तो इस तरह से होगा ई रेस टू एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस ई रेस टू एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई। अब ये डी एक्स के साथ एक्स वाला टर्म, यानी कि देयरफॉर ई रेस टू एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई। क्या किया, डी एक्स के साथ एक्स वाले टर्म और डी वाई के साथ वाई वाले टर्म रख दिए। अब मैं पहले क्या लिखता हूँ मालूम है, ये लिख देता हूँ पहले, और ये माइनस है ना, इसको दे देता हूँ, क्यों आपका सेटिंग हो जाए ना भाई। तो सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स वन माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं बच्चे लोग, तो सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई इंटू डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई रेस टू एक्स 1 माइनस ई रेस टू एक्स डी एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव ऊपर हो गया, टेन वाई का भी डेरिवेटिव ऊपर हो गया, तो सेक्स स्क्वायर वाई यानी कि डी बाई डी वाई टेन वाई अपॉन टेन वाई, यानी कि अपॉन का डेरिवेटिव ऊपर हो गया, यहाँ भी d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस ई रेस टू एक्स, क्लियर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर log मोड ऑफ tan y इज इक्वल टू log मोड
वन माइनस ई डैश टू एक्स प्लस लॉग मोड सी लिख दिया मैंने। यदि आपको प्लस सी लिखना है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब therefore log mod tan y is equal to log mod c into 1 minus e raised to x, बीच में प्लस है यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब इसके दोनों तरफ मैं log को हटा देता हूँ। mod of tan y is equal to mod of c into 1 minus e raised to x, अब दोनों तरफ से mod हट जाएगा तो tan y is equal to c into 1 minus e raised to x, it is a general solution, clear? tan y is equal to c into 1 minus e raised to x, पीछे यही आंसर है, it is a general solution। मालूम पड़ा बच्चे लोग, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के क्वेश्चन। चलो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स। अब यहाँ से जो ये क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो सब पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले हैं, यानी कि आपको यहाँ पे कंडीशन दी है कि कौन सी कंडीशन, वेयर वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में कंडीशन दी है, यानी आपका क्वेश्चन इस तरह से है। अब इसका आपको क्या निकालना है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा वो फाइंड करने का है। कर लेते बच्चे लोग, तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स। मैं पहले थोड़ा इसका सिंप्लीफाई दे दूं, क्योंकि आपको मालूम पड़े कि मुझे कौन सी मेथड इंटीग्रेशन की अप्लाई करनी है, तो मैं x² कॉमन लेता हूँ, तो x प्लस 1 कॉमन लूँगा, तो x प्लस 1। therefore dy by dx इज इक्वल टू, dy by dx इज इक्वल टू 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 into x² प्लस 1। अब ये dx को मैं सामने ले जाऊंगा, तो dy इज इक्वल टू 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 into x² प्लस 1 dx। बोलो सोचो कौन सी मेथड हुई ये। इसके लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव इम्प्लिकेटिव मेथड थी ना, याद करो ए बी और सी वाली, तो हम इसका इंटीग्रेशन इस तरह से करेंगे। इसके दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, तो 1 डी वाई इंटीग्रेशन 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 x² प्लस 1 डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बातें करनी है इसके लिए ही हम बात करेंगे अब। तो 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू, याद करो a अपॉन एक्स प्लस 1। ये x² वाला टर्म है, इसमें स्क्वायर है, इसलिए bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1, इट इज़ द रिजल्ट नंबर 1। अब इसका हम LCM लेते हैं,
याद आई मेथड के नहीं आई? 2x² + x = a (x²+1) + bx + c, दूसरे ब्रैकेट में x+1। इट इज़ अ रिजल्ट नंबर 2। ओके, अब a के अपॉन में क्या है? x+1। तो मैं x+1 = 0 सपोज करता हूँ। x+1 = 0, therefore x = -1। x = -1 को मैं रिजल्ट नंबर 2 के अंदर पुट करता हूँ। तो रिजल्ट नंबर 2 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे बाय रिजल्ट नंबर 2। तो x की जगह पे मुझे -1 रखना है। x की जगह पे -1, -1 का स्क्वायर +1 होता है, यानी 2 × 1। 2 − 1 यानी कि 1। यहाँ पे -1, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1, 1 + 1, 2, यानी कि 1 = 2a। therefore a = 1/2। मिल गई a की वैल्यू। अब रहा क्वेश्चन किसका? b और c का। सोचो, याद करो वो दिन याद करो आप ये b और c की वैल्यू कैसे निकालते थे। एक्सरसाइज 7.5, 7.6, वो सभी एक्सरसाइज में आता था ये सब। आपको अब रिजल्ट नंबर 2 का सिंप्लीफाई देना है। 2x² + x = 2। a का मल्टीप्लाई करते हैं तो ax² + a, bx यानी कि bx² + bx + cx + c। क्या किया मैंने? a का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इन दो ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई कर दिया, bx² + bx + cx + c। अब x² वाले टर्म यानी कि इस तरह से लिखेंगे 2x² + x = 2, a + b × x². अब x वाले टर्म यानी कि b + c × x, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म a + c। अब इसके दोनों तरफ में x² के कॉफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म को मैं कंपेयर करता हूँ। कंपेयर करने के बाद मुझे a के ऊपर, a की तो वैल्यू है 1/2, a की वैल्यू है 1/2, इसके पर से b और इसके पर से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। देखो, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। कंपेयर करता हूँ तो a + b = 2 and b + c = 1। अब a + b = 2, therefore b = 2 - a। लेकिन a की वैल्यू 1/2 है आपके पास, a की वैल्यू 1/2, therefore 2 - 1/2, that is a 3/2। अब c = 1 - b, 1 - 3/2, that is -1/2। अब a, b और c तीनों की वैल्यू आपको रिजल्ट नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो 2x² + x / x + 1 × x² + 1 = a, a यानी 1/2 / x + 1, b यानी 3/2 × x, और c यानी -1/2 / x² + 1। अब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो 1 dy ((1/2) x + 1) (2) का मैंने यहाँ पे LCM ले लिया है। अब ये 1/2 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से सेपरेट डिनोमिनेटर दे देंगे तो 3x / ये टर्म और 1/ ये टर्म।
मालूम पड़ता है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। थोड़ा बड़ा स्टेप था और जगह मेरे लिए छोटी थी, लेकिन सेटिंग करके लिख दिया है अच्छी तरह से मैंने, आपको मालूम पड़ जाए उस हिसाब से ही लिखा है। 1/2 बाहर निकल गया, सेपरेट डिनोमेटर दे दिया मैंने, 3x अपॉन ये टर्म और 1 अपॉन ये टर्म। अब 1/2, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो सोच लेना है अपने को। तो ये 3/2 बाहर निकल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, यानी कि इसका डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन अपने को मालूम है, इसका भी इंटीग्रेशन अपने को मालूम है, इसका भी इंटीग्रेशन अपने को मालूम है। इसलिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि यह इसका डेरिवेटिव ऊपर। चलो अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y 1 अपॉन x प्लस 1 का log mod x प्लस 1 प्लस 3/4 log mod x square प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगी ना, 1 अपॉन x square प्लस 1, यानी 1 अपॉन x square प्लस a square की फॉर्मूला। इट इज अ जनरल सॉल्यूशन, ये पूरा जो सॉल्यूशन आया ना वो कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। अब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी है। कौन सी कंडीशन दी है, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 3, यानी कि ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसके अंदर मैं x की जगह पे 0 और y की जगह पे 1 पुट करूँगा। तो y की जगह पे 1, x की जगह पे 0 यानी log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, x की जगह पे 0 log 1 की वैल्यू 0, tan इनवर्स 0 यानी कि 0 प्लस c, यानी कि c इज इक्वल टू 1। अब ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट c इज इक्वल टू 1 आपको मिल गया है, उसको ये रिजल्ट में पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस 1 प्लस 3/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। इट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आपने यहाँ तक लिख दिया तो सही है बच्चे लोग, आपने यहाँ तक लिख दिया तो मान लो कि सही है, बराबर यहाँ आपका क्वेश्चन कम्प्लीट ही हो गया है। लेकिन पीछे का आंसर लाने के लिए मैंने 2 स्टेप ज़्यादा लिखे हैं, यदि आप लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/2 और ये 3/4, तो मैं 4 का एलसीएम लूँगा, तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 4 बाहर आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म भी एज इट इज़। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस यानी कि इंटू, बराबर, और ये टर्म सब एज इट इज़। ये पीछे का आंसर है, ओके बीच में प्लस है ना, तो ये ऊपर ले जा सकते हो, इसको भी ऊपर और बीच में प्लस है, इसलिए इनटू हो जाता है। तो y इज इक्वल टू 1/4 log x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। इट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ऐसा आपको नीचे लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने ये एक्सरसाइज 9.4 के 1 से 11 तक के क्वेश्चन किए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का सोचेंगे नहीं, कर लेंगे, क्लियर। फिर से बताता हूँ, चैप्टर नंबर 7 की हो सके तो प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर नंबर 7 जितना आपको अच्छी तरह से आता होगा, जितना आपको चैप्टर नंबर 7 की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, इतना ही आपको ये चैप्टर नंबर 9 में बहुत मज़ा आएगा। ओके तो आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नई बात करेंगे।
जितना भी आज सम चलाए वो सभी सम घर से यानी कि होमवर्क के अंदर दो बार तीन बार हो सके तो सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, बाय।